hi guys welcome back to my youtube channel and i hope you are in great health guys so in this video we are going to discuss about complete overview of december 2022 plus i will make you clear regarding the level of the exam and the question types that you need to prepare so before we start the video guys please hit the subscribe button and don't forget to share this video so let's get started with the video guys december we have total pass dates available now और जो पहली डेट है वो है थर्ड दिसंबर जो कि है बोथ फॉर एकेडमिक एंड जीटी जो सेकंड है वो सिर्फ एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए जो कि है एट दिसंबर नेक्स्ट है टेंथ दिसंबर जो सिर्फ एकेडमिक्स के लिए ओनली सैवनटीन दिसंबर है जो वो दोनों के लिए अवेलेबल है अकेडमिक प्लस जे और एक और जो सी डेट ऐड हुई है वो है ट्वेंटी जो कि सिर्फ किसी किसी सेंटर में ही अवेलेबल है सो so पहले हम बात कर लेते हैं थर्ड दिसंबर की कि इस दिन कैसा एग्ज़ाम आएगा अगर ओवरऑल लेवल की बात करी जाए थर्ड दिसंबर को जो लेवल रहेगा एग्जाम का वो मॉडरेट रहेगा फॉर बहुत अकेडमिक है जेटे गाइस अगर रीडिंग अकेडमिक की बात करें तो ये मॉडरेट और ट्रिगी हो सकता है मीन्स थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है आपके लिए अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिस्ट ऑफ एडिंगस लिस्ट ऑफ पीपल ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड फिलअप्स एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द रीडिंग जी टी तो इसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा ईजी टू मॉडरेट गाइज एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फिलप्स टू फॉल्स नॉट गिवन एंड एम सी क्यूज अगर लिसनिंग की बात करें तो ये इसका लेवल रहेगा फॉर बोथ अकेडमिक एंड जी टी इसका लेवल होगा ईजी टू मॉडरेट एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फिलप्स लॉन्ग एंड शॉर्ट एम सी क्यूज मैचिंग टाइप क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आपको आएंगे लिसनिंग में अगर राइट इंड टास्क वन की बात करें अकेडमिक के लिए तो तीन कैटेगरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बार टेबल एंड पाई एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द राइटिंग टास्क टू अकेडमिक तो इसमें हमारे पास आ सकते हैं ऐसे ओपिनियन ऐसे डिसकस विथ ओपिनियन एंड आउट वे वाली कैटेगरी आ सकती है अगर जी टी के लिए बात करें तो राइटिंग टास्क वन में फॉर्मल लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड राइटिंग टास्क टू में हमारे पास आ सकते हैं ओपिनियन ऐसे एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज तो ये दोनों ऐसे आपको आने के ज़्यादा चांसेस है जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो ओवरऑल लेवल रहेगा एग्जाम का वो रहेगा मॉडरेट गाइज सो मूविंग फॉरवर्ड टू द एथ दिसंबर अगर इस दिन की बात करें तो ये मेरे अकॉर्डिंग सेकेंड बेस्ट डेट रहेगी अकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए तो आप अगर आपके पास कोई और डेट अवेलेबल नहीं है होती तो आप इसके लिए जा सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया कि सेकेंड बेस्ट डेट रहेगी अकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए अगर ओवरऑल लेवल की बात की जाए तो इस दिन का जो लेवल रहेगा एग्ज़ाम का वो रहेगा ईजी टू मॉडरेट अगर लिसनिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं सिलेक्शन ऑफ लेटर्स एम सी क्यूज़ एंड फिलअप एंड जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो लिसनिंग भी रहेगी वो रहेगी ईजी टू मॉडरेट अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग का लेवल थोड़ा ईजी रहेगा गाइज एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फिलअप्स मैचिंग टाइप क्वेश्चन विच पैराग्राफ कंटेंट्स विच इन्फॉर्मेशन प्रूफ ऑल्स नॉट गिवन एंड एम सी क्यूज अगर राइटिंग टास्क वन अकेडमी की बात करें तो इसमें हमारे पास आ सकते हैं टेबल बार एंड प्रोसेस डायग्राम मूविंग हैड टू द राइट इंग टास्क टू अकेडमी तो इसमें हमारे पास आ सकते हैं डिस्कस विद ओपिनियन डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव यूर ओपिनियन एंड डायरेक्टली ओपिनियन ऐसे आ सकता है आपके लिए गाइस सो मूविंग फॉरवर्ड टू टेंथ दिसंबर जो कि रहेगी बेस्ट डेट रहेगी अकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए इस दिन जो ओवर एग्जाम रहेगा वो ईजी रहेगा गाइस इन केस आपके पास टेंथ दिसंबर आपको नहीं मिलती तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप एट दिसंबर के लिए जा सकते हैं उस दिन एग्ज़ाम भी ठीक रहेगा पर बेस्ट डेट रहेगी जो है टेंथ दिसंबर अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग का लेवल भी ईजी रहेगा गाइस एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ लेटर्स एम सी क्यूज मैचिंग टाइप क्वेश्चन अगर लिसनिंग की बात करें गाइस तो इसका जो ओवरऑल लेवल रहेगा वो ईजी रहेगा लिसनिंग ईजी रहेगी एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फिलप्स शॉर्ट एंड लॉन्ग एम सी क्यूज एंड मैचिंग टाइप क्वेश्चन मूविंग फॉरवर्ड टू द राइटिंग टास्क वन इसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है बार लाइन एंड पाई एंड आप मैप की प्रैक्टिस जरूर करना कि मैप के भी चांसेस है बट जो बार लाइन एंड पाया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर राइटिंग टास्क टू की बात करें तो इसमें हमारे पास ओपिनियन ऐसे डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन तो ये दोनों कैटेगरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो मूविंग है टू सेवनटीन दिसंबर जो कि बेस्ट डेट रहेगी जी स्टूडेंट्स के लिए तो अगर आप फिल करने की सोच रहे एग्ज़ाम तो मेक श्योर sure आप सेवनटीन दिसंबर के लिए जाएँ जो लिसनिंग का लेवल रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा फॉर बोथ academic एंड जे and एंड यू कैन questions related to टू ja sure uh, fill ups and फिलअप्स एंड मैप कम्पलिशन अगर रीडिंग एकेडमिक की बात करें तो इसका लेवल रहेगा मॉडरेट और ट्रिकी में थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है तो मेक श्योर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं मैचिंग टाइप क्वेश्चन फिलअप्स सिलेक्शन ऑफ लेटर्स ट्रू फॉल्स नॉट गिवन विच पैराग्राफ कंटेंट्स विच इन्फॉर्मेशन अगर जीटी रीडिंग की बात करें तो इसका जो लेवल रहेगा वो इजी रहेगा गाइस एंड इसमें हमारे पास आ सकते हैं सबसे ज़्यादा जो आएंगे वो आपके पास आएंगे फिलप्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इन द फॉर्म ऑफ नोट कम्पलिशन समरी कम्पलिशन तो ऐसे आ सकते हैं इसके अलावा आपके पास आ सकते हैं मैचिंग टाइप क्वेश्चन फॉल्स एंड नोट गिवन तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए आएंगे मेन मेनली जो सबसे ज़्यादा आपके लिए आएंगे वो आएँगे फिलअप्स मूविंग फॉरवर्ड टू राइडिंग टास्क वन अकेडमी तो इसमें हमारे पास आ सकते हैं पाए टेबल लाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स मोस्ट प्रॉबली आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स ही आएंगे जिसमें कि आपके एक जो होगा चार्ट वो लाइन का हो सकता है एक पाई का हो सकता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे तो मेक श्योर sure आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें अगर राइटिंग टास्क टू अकेडमिक की बात करें तो उसमें हमारे पास आउट वे कैटेगरी आ सकती है ओपिनियन ऐसे एंड डिस्कस विद ओपिनियन तो ये तीनों कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है गाइस एंड इफ यू टॉक अबाउट राइटिंग टास्क वन जीटी तो इसमें हमारे पास आ सकते हैं इनफॉर्मल लेटर और अगर राइटिंग टास्क टू की बात करें तो इसमें हमारे पास आ सकते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड डिस्कस विद ओपिनियन सो दैट्स इट गाइस इसमें हमने इस वीडियो में देखा कि कौन सी डेट्स आपके लिए बेस्ट है अकेडमी के लिए और जी के लिए और लेवल कैसा आएगा कौन सी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं और हर एक वीडियो की डिटेल में प्रोडक्शन वीडियो भी आएगी सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गायज़ टिल दैन टेक केयर गुड लक फॉर द प्रेपरेशन एंड थैंक यू गाइज़